अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और ये रहे जी रैान जो कि खेल रहे हैं एल के बीच में क्योंकि एल पैक हो गई हैं और रैयान को तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे एक मज़े की उसके लिए इंटरेस्टिंग सी जो जगह बन गई है वो उसके अंदर छुप रहे हैं और खेल रहे हैं खैर मैंने आज जो है ये वीडियो थोड़ी सी इसलिए भी बनाई है कि जो मेरी जो फ्रेंड्स हैं यूट्यूब की फ्रेंड्स हैं और जो मेरी वैसे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मेरे से ना काफ़ी ये पूछा कि भाई मैं ये अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ क्योंकि शिफ्टिंग का काम भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ही काम होता है तो मैं ये सब कैसे कर रही हूँ तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल किया मुझसे ये सब पूछा तो मैं अब उसका भी जवाब दे दूँ कि भाई सच्ची सी और सीधी सी बात है कि हम सारा दिन जो है वो हम खेलते रहते हैं उनके बच्चों के साथ तो आपको पता है काम ख़त्म नहीं होता तो जब रात होती है हस्बैंड आते हैं और फिर हम जो है पैकिंग स्टार्ट करते हैं कि चलो जी ये चीज़ पैक कर लें तो तब जो है हमारा काम भी ख़त्म हो जाता है और वो मेरी हेल्प भी करा देते हैं तो इस तरह से हम ना आराम आराम से मज़े ले ले के जो है वो पैकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं शिफ्ट हो गई हूँ या कब शिफ्ट होंगी तो उसका भी मैं बता दूँ कि भाई शिफ्ट तो मैंने जल्दी हो जाना था पर क्या कि दूसरे दु घर में अभी कर्टन्स नहीं लगे कर्टन्स का अभी भी जो है वो दो से तीन दिन लग जाएंगे कर्टन्स को लगने में तो उसके बाद ही जो है हमने शिफ्ट होना है और बाकी सब कुछ जो है वो पैक पड़ा हुआ है सिर्फ कर्टन्स की देर है कि उस घर में कर्टन्स लगे और हम शिफ्ट हो जाएं तो इसलिए हूँ मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है और हमने कुछ किया भी ऐसे कि काफ़ी पहले से ही हमने जो है पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी है ताकि जो है एकदम से जो बर्डन पड़ जाता है उससे फिर बंदा थक भी बहुत ज़्यादा जाता है तो इसलिए हम आराम आराम से सारे काम कर रहे हैं और यहाँ पर आज मैं धो रही हूँ जी कारपेट और अब आप लोगों ने कहना है कि मैं अकेले कैसे कारपेट धो रही हूँ तो खैर भी जब भी आप कोई काम करने का सोच लें तो आप पूरा कर ही लेते हैं इसमें कोई बात नहीं होती आपको अकेले करना पड़े या आपकी हेल्प हो बस इंजॉय करके जो भी काम करें वो कभी भी आपको को नहीं थे का था, तो मैं जी हो रही थी बहुत ज्यादा बोर क्योंकि घर तो हुआ हुआ सारा पैक तो मैंने सोचा चले जी आज कारपेट की धुलाई की जाए तो बच्चे और मैं आज जो है कारपेट धोने में लगे हुए हैं और मेरे किचन में जो है स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है है तो किचन में ही हमने डाला कारपेट और यहाँ पे चल रही है कारपेट की धुलाई और अब मैं आप लोगों को ऊपर का भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि जो रूम है वो हमारी अभी किस कंडीशन में है तो जी ये देखें जी रूम जो है हमने पूरा ही खोल दिया हुआ है बस एक रूम हमने छोड़ा है जिसके अंदर हम जो है सोते हैं और बच्चे भी सारा दिन उसी रूम में रहते हैं बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ ही हमारा पैक हुआ हुआ है तो इन बस जल्दी से कार वो जो है कर्टन्स लग जाएं और हम जो हैं जल्दी से शिफ्ट हो जाएं क्योंकि बॉक्सेस जो हैं हमारे सारे रेडी हैं ये तो बस जो फर्नीचर रह गया वो कारपेंटर ने आना है उसने ओपन करना है और उन्होंने ही जा के जो है नेक्स्ट घर में जो जाके उनको लोड भी करना है और वहाँ पे वो सारा कुछ सेट भी कर देना है तो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर